ओके okay, आज का वीडियो बिल्कुल भी अलग है। आज एक स्टोरी वीडियो है, आज मैं कोई रोस्ट वीडियो नहीं कर रहा, क्योंकि वैसे मैंने सोचा तो था कि मैं बिग बॉस का रोस्ट बनाऊंगा, लेकिन यार वो मुझे कंसेप्ट ही नहीं पसंद, वो मेरे को पूरा शो ही रोस्ट लगता है। इसलिए खैर मैं आज अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, जिसे तुम अपनी मेरी आबिती भी कह सकते हो। ये स्टोरी है जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था, और तब मैं बहुत बड़ा वाला फट्टू था। मतलब यार वैसे अभी भी हूँ, लेकिन तब मैं सतरंगी और बचकाना टाइप का फट्टू था। मतलब अगर कोई लड़की मुझे आके हाई भी बोलते ना, तो मुझे मिर्गी के दौरे पड़ जाते थे। और इसका एक रीज़न था, मैं बॉयज स्कूल में पढ़ता था, और जिस क्लासेस में हम जाते थे, वो ट्यूशन तुम कहते हो, वहाँ भी लड़कियाँ नहीं थी। इसीलिए ना लड़कियों से कभी हमारी बात बनी नहीं। मुझे आज भी याद है, मैं और मेरे फ्रेंड्स लड़की से बात करने के लिए आइडिया कस्टमर केयर में कॉल करते थे, ताकि कोई लड़की उठा ले और 2 मिनट हमारी लड़की से बात हो जाए। तो कुछ ऐसे टाइप का हमारा हालत था। तो ये बात तब की है जब मैं अपना नया कीबोर्ड क्लासेस ढूंढ रहा था, कि मैं पुराने वाले से पक गया था यार। वो रोज़ जिंगल जिंगल वो सिखाया करता था, जिससे मेरा यार मूड ऑफ हो गया। मैंने मम्मी बोला, मम्मी यार कोई नया जगह जाते हैं, कुछ नया सीखें। तो हमारे घर के पास एक सोसाइटी था, वो काफी पॉश एरिया था, वहाँ पे सारे अमीर घर के बच्चे आते थे कीबोर्ड क्लास सीखने के लिए, और सारे ही बच्चे गाड़ी में उतरते थे। मतलब समझ रहे हो, मतलब काफी पॉश टाइप का एरिया था। उस टाइम में वो बच्चे आईपॉड कैरी करते थे, जब हमारे पास नोकिया का फोन भी नहीं था। तो वहाँ पे मैंने म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया धीरे धीरे धीरे। अच्छा काफी टाइम बीता, लेकिन वहाँ पे लोग ना यार बड़े सफिस्टिकेटेड थे, मतलब बड़ा ही बन ठन के रहते थे। तो देखो बचपन से मैं फट्टू था, लेकिन चूतिया नहीं था। मुझे मेरे को पता था औकात में कहाँ रहना है, इसलिए ना मैंने कभी लड़कियों पर ट्राई किया, और लड़कियां तो मुझ पर क्यों ट्राई करेंगी। अब बंदा साइकिल और ऑटो से उतर रहा है, तो उसको कौन ट्राई करेगा। पर एक क्लास के दरमियान कुछ ऐसा हुआ ना यार, कि मेरे कॉर्ड्स और टाइमिंग एक मेलोडी के बैठ नहीं रहते। मैंने सर को बोला, सर यार ये हो नहीं रहा। सर ने 2-3 बार एक्सप्लेन किया, बट सर के बाकी बच्चे भी थे, तो वहां निकल गया। अब यार मुझे समझ नहीं रहा था, मैंने बोला, सर मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा, मुझे हेल्प करो। सर ने इशारा करके बताया कि वो बंदी ठीक से बजा रही है, इससे मेलोडी उससे जाकर सीख ले। जब मैं गया ना, मैंने उस बंदी को देखा, यार वो बंदी मुझे आज तक प्रोसेस नहीं हुई। मतलब मैंने आज तक कभी सोचा नहीं था, मतलब कोई इंसान रिस्ट बैंड के ऊपर घड़ी पहन सकता है। वो मेरे को चीज हजम ही नहीं हुई। मतलब इतनी प्यारी बंदी थी, बाल खुले, ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक जीन्स, वो रेड कलर के उसने सैंडल पहन रखे थे। आज तक मुझे उसका पूरा होलिया याद है। बंदी ने एक अलग तरह का डियो लगाया था, ऑब्वियसली कोई महंगा वाला होगा, बट बहुत ही बढ़िया था। एकदम उसको दूर से ही देखते ना, वो ऐसे हवा वाली फीलिंग आ गई। तो मैं धीरे 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 उसके पास गया और उसके पीछे खड़ा हो गया। अब मुझे पता था कि मैं कैसा लगता हूँ, तो मैं थोड़ा दूर ही खड़ा था। तो उसको बंदी को लगा कि मैं उसको शायद घूर रहा हूँ। तो वो थोड़ी देर बजाई बजाई, बाद में अनकंफर्टेबल खुद पूछने लगी कि एक्सक्यूज मी, कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई आर यू स्टेयरिंग एट मी। अब मेरी गई फट। मैंने सर को बोला, सर सर की तरफ इशारा कर दिया। सर ने बोला, हाँ डोंट वरी, वो बस सीखने के लिए, वो तुम्हारा मेलोडी देख रहा है। सर ने ऐसा बोल दिया, तो बंदी ने, ठीक है आ जा, खड़े हो जा, यहाँ खड़े हो जा, दूर क्यों खड़ा है। तो मैं उसके पास जाके खड़ा हुआ। अब बंदी ने मेलोडी प्ले करना स्टार्ट किया। मैं बता रहा हूँ, मैंने मेलोडी पे घंटा ध्यान नहीं दिया, मेरा पूरा ध्यान उस बंदी के ऊपर था। और ऐसे बजा रही थी ना, जैसे उसी के लिए बनाई इंस्ट्रूमेंट। और उसने जैसे ही गाना खत्म किया, मुझे पता नहीं चला कि वो 1 मिनट कहाँ चला गया। और फिर मैंने उसको थैंक यू बोला, जाके अपने सीट पे बैठ गया। अब पूरा टाइम ये सोच रहा था कि यार नाम पूछ लेता ना तो सही रहता, बट अब फिर से जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मैं अपने सीट पर बैठा रहा। टाइम खत्म हुआ क्लास का, तो मैं निकला। तो मैंने देखा वो और उसकी फ्रेंड हमेशा एक जगह पर रुकते हैं अपने डैड के कार के लिए। अब मैं रास्ते में पढ़ता था, तो मैंने सोचा यार जाके एक बार बात कर लूं, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं हुई। मैं अपना आगे जाके ऑटो पकड़ के निकल गया। और पूरा हफ्ता मैं ये सोचता रहा कि काश मैं बात कर लेता तो क्या होता। तो मैंने ये डिसाइड किया कि इस बार जाऊंगा तो उसे पक्का बात करूंगा। फिर से हमारी सैटरडे क्लास हुई, मैं गया उसके पास, उसको देखा। मैंने तब हाई बोलने की कोशिश किया, मगर मेरे अंदर से आवाज ही नहीं आई। पूरा टाइम उस क्लास में सिर्फ मैं ये सोचा था कि उसको अप्रोच कैसे करूं। जैसे जैसे टाइम बीता, जैसे ही मेरा क्लास खत्म हुआ, मैं बाहर जाके उस जगह पे खड़ा हो गया जहाँ पे वो खड़ी होती थी। अब मैं उसके स्पॉट पे खड़े खड़े ये सोच रहा था कि उसे अप्रोच कैसे करूं। धीरे धीरे मैंने देखा कि सामने से वो बंदी भी आना शुरू हो गई अपने फ्रेंड के साथ। इस वक्त तक मेरे दोनों कान गर्म हो चुके थे और मेरी हार्ट बीट फुल फास्ट हो चुकी थी। अब मुझे कुछ बढ़िया सा प्लान लाना था, और मैंने इतना बढ़िया प्लान लाया ना, सारे चौंक गए। वो बंदी मेरे पास आई और उसको मैंने बोला, एक्सक्यूज मी, क्या आपके पास 100 रुपये का छुट्टा है। बंदी ने तो पहले मेरे को बड़े ऑकवर्ड नजर से देखा कि ये मुझसे 100 रुपये का छुट्टा मांग क्यों रहा है। फिर उसने बोला, हाँ हाँ है ऑफ कोर्स आई हैव इट। तो मैंने बोला, यार आप दे देंगे, मेरे पास ऑटो के लिए छुट्टे नहीं है, 100 रुपये का नोट है और ऑटो वाले लेते नहीं है। बंदी ने बड़े जेन्युइन तरीके से अपने पर्स में हाथ डाला और छुट्टा निकालना शुरू कर दिया। और फिर मैंने उसको उसी में चांस मार के उसका नाम पूछ लिया कि आपका नाम क्या है। बंदी ने अपना नाम बताया, जो नाम मैं आपको नहीं बता सकता फॉर ऑब्वियस रीजन कि नाम लीक नहीं हुआ, पर हम उसको बुलाएंगे जयसूर्या, हम उसको बुलाएंगे जयसूर्या, क्योंकि मेरे को जयसूर्या बहुत पसंद था एज अ क्रिकेटर। ठीक है, तो फाइनल रहा कि उसको हम जयसूर्या बुलाएंगे। अब तक जयसूर्या ने अपने पर्स में पूरा हाथ घुमा लिया था और उसने पैसे जमा कर लिए थे। अब वो निकाल के मेरे सामने फिर से गिन रही थी, और तब तक मैं सिर्फ उसको देख रहा था। वो नहीं होता मुंह खुला होता है और मुंह के साइड से पानी निकलता है, उस टाइप के नज़र से देख रहा था। उसकी फ्रेंड ने बोला कि यार कैश जल्दी निकाल दे, हमारी भी गाड़ी आती होगी। अब मेरा दिमाग फटाक से वापस होश में आया कि ओ हाँ, पैसे भी निकालने हैं। मैंने जेब में हाथ डाले और मेरे पास 100 रुपया था। सोच सकते हो जिस कहाँ के लिए वहाँ पर खड़ा था, वो पैसे ही नहीं थे मेरे पास। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या। तब तक मैंने देखा उसके डैडी की कार वहाँ से आ रही है, आ रही है, आ रही है। अब मेरी फटके और टाइट हो गई है, अब मेरे सर पे पसीना आ चुका था। फिर मैंने हिम्मत जुटाई, उसको कहा कि यार मैं शायद 100 रुपया ही लाना भूल गया।
हंदी बड़ी जेन्युइन थी, उसने थोड़ा स्माइल दिया और बोला अरे कोई नहीं, तू एक काम कर, तुझे ऑटो के जितने लगेंगे मैं दे देती हूँ। उसने मुझे वापस पैसे दिए 30 रुपये उस टाइम पे। ये सब उसके डैडी को कार से देख रहे थे, उसके डैडी ने कार रुकाया, दोनों वो दोस्त अंदर चले गए और मेरे को अंदर से बाय किया, और उसका बाप मुझे भाग गरीब नजर से देख रहा था। बट कोई नहीं, वो मैंने वो जहर को निगलते हुए अंदर ले लिया और घर चला गया चुपचाप से। पूरी रात मैं ये सोचता रहा कि 100 रुपये तो कम से कम कैरी करने चाहिए मुझे। अगले दिन मैं उठा, संडे को क्लास गया, मैंने उससे मिला, मैंने उसको 30 रुपये दिए और काफ़ी अच्छा बात हुआ। एज इन उसने मेरा नाम वापस पूछा, उस दिन उसने पूछा नहीं था। बस उसके बाद ना उसने मुझसे कभी बात किया, ना मैंने कभी बात किया, और एक साल बाद मैंने वो क्लास भी छोड़ दिया। बस इतनी सी एक कहानी। आई नो इस स्टोरी में कुछ खास नहीं था, लेकिन यार आज भी इस स्टोरी को जब याद करता हूँ मेरा हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, जैसे अब हो गया मेरा हार्ट बीट। और भाई टेंशन मत लो, ऐसे स्टोरीज अपने पास बहुत है, अपने पास सिर्फ फ्रेंड जोन की स्टोरीज है और जहाँ पे मैंने कटवाया हो, अपने लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं ना। तो यार अगर तुमको इस टाइप का कंटेंट पसंद आया हो मेरे चैनल पे, तो तुम मुझे प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में कि कुछ नया ट्राई किया। अगर तुमको पसंद आ रहा हो तो बताना, मैं ऐसे वीडियोज और बनाऊंगा। और अगर पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और हाँ, अगर तुम मुझे कोई भी वीडियो का सजेशन देना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे आके मिलो और बात करो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरे पास सब्सक्राइबर उतनी नहीं, तो मैं हर एक को रिप्लाई करता हूँ। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अपने इंस्टाग्राम का, आओ बात करेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।